हेलो दोस्तों, पहले के मुताबिक आयुष्मान कार्ड बनाना आसान हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल फोन से 5 मिनट के अंदर आयुष्मान कार्ड बना सकते हो। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हो, यानी फ्री में इलाज करवा सकते हो। दोस्तों, आप सभी को आयुष्मान कार्ड बनाना जरूरी हो चुका है। आयुष्मान कार्ड कैसे बनाना है, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार में टाइप करना है आपके द्वार आयुष्मान, ठीक है दोस्तों, और सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ फर्स्ट में लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ गेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को दोस्तों यहाँ बॉक्स जो है इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चा है, कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर स्टेट का नाम है तो अपने स्टेट का नाम चुनना है। उसके बाद यहाँ जिला का नाम चुनना है, जो भी आपका जिला होगा। जिला का नाम चुनने के बाद दोस्तों इधर है ब्लॉक का नाम, ठीक है, इधर ब्लॉक का नाम चुनना है, जो भी आपका ब्लॉक होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ विलेज का नाम आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर विलेज का नाम चुन लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके पीडीएफ को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा और एक लिस्ट ओपन होगा, ठीक है। इस लिस्ट में अपना नाम पहले चेक करना है। अगर आपके इस लिस्ट में नाम है तो आप दोस्तों 3 तरीका से आयुष्मान कार्ड को बनाकर डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको गूगल सर्च बार में टाइप करना है आयुष्मान कार्ड और सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे लिखा है पहले डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्कीम का ऑप्शन आएगा तो PMJAY सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने स्टेट का नाम, जो भी आपका स्टेट का नाम होगा, उस स्टेट का नाम को पहले सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ जो बॉक्स है इसमें टिक लगाकर जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा तो जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड कार्ड का, इस पर क्लिक करना है। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर पीडीएफ में डाउनलोड होगा तो इसे ओपन करना है। जब आप ओपन कीजिएगा तो दोस्तों आपका जो आयुष्मान कार्ड ये बन गए रेडी हो जाएगा और इसे आप प्रिंट ले सकते हो। ये दोस्तों पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है वहां पर जाकर भी बनवा सकते हो। तीसरा दोस्तों कहीं भी CSC सेंटर होगा वहां पर भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप आयुष्मान कार्ड घर बैठे आप मोबाइल से बनाकर आप दोस्तों जो भी लाभ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए का वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों यही आसान तरीका है आयुष्मान कार्ड बनाने का। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।